नसीराबाद रोड पर आड़ी पुलिया के नाम से विख्यात रेलवे ट्रैक के जीर्णोद्धार कार्य के लिए गुरुवार को प्रातः से शाम तक नसीराबाद रोड पर यातायात आवागमन बाधित रहा, जिसके चलते जहां स्कूली बच्चों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने अपने स्कूल पहुंचना पड़ा, वहीं रोजाना आदर्श नगर से शहर की तरफ आने वाले और शहर की ओर से आदर्श नगर बाईपास औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल नसीराबाद रोड पर फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य के दौरान आड़ी पुलिया से मार्ग संकरा हो चला था, जिसे लेकर एडीओ और रेल प्रबंधन के बीच चर्चा कर इसे चौड़ा करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल पुलिया पर रेल ट्रैक पैनल को बीम पर टिकाने के लिए विशालकाय क्रेनों द्वारा कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोड को ब्रेक किया गया था। ये ब्रिज के रीगटरिंग का कार्य चल रहा है, गर्डर वीक हो गए थे, उनको अब हैवी गर्डर रख रहे हैं इनके ऊपर। ये कितने दिन नहीं, ये भी 8 आवर्स का ब्लॉक लिया है, आज ही पूरा हो जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालेचा ने बताया कि कई दशकों पुराने इस पुल को मरम्मत की बेहद जरूरत थी, यही वजह रही कि सुबह 6 बजे से इस सड़क और रेल मार्ग को बंद करना पड़ा। मरम्मत के बाद इस मार्ग पर रेल गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। गड़ी मल्यान सेक्शन है, मतलब मदार से दुरई के बीच में जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो अजमेर सिटी में नहीं आती है, उसको हमने बाईपास लाइन दे रखी है। तो जैसे रोड की बाईपास लाइन होती है, रेल की बाईपास लाइन है। इसमें जो ब्रिज था वो पुराना हो गया था, उसको रिपेयर की जरूरत है। तो आपने जैसे देख रहे हैं कि ब्रिज पैन तो तोड़ दिया गया है और इसमें गडर लग रहे हैं, 2 RCC उसकी स्टील के गडर लग रहे हैं, उसका कार्य जारी है। अभी हमारी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि गडर की और उसकी जो पोजीशन देखते हैं 30 किलोमीटर से ज़्यादा की गति से गाड़ी भी नहीं जा पा रही है। अब इसके कार्य होने के संपन्न होने के बाद में गाड़ी हमारी 75 किलोमीटर जो आई है स्पीड है गुड्स ट्रेन की, उस पर जा पाएगी, तो इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा और उसका स्पीड भी बढ़ जाएगी।